काजोल एक बंगाली फैमिली की लड़की थी और मिहिर एक गुजराती लड़का था। मिहिर को काजल एक दोस्त की शादी में मिली थी और दोनों में प्यार हो गया। दोनों ने अपने अपने परिवार को शादी के लिए मना ही लिया और दूसरे दिन उनकी शादी हो जाती है। काजोल की सास अल्पना को अपनी जैसी गुजराती बहू लाने का बहुत चाव था, पर काजोल बंगाली थी। यही बात कल्पना को पसंद नहीं आ रही थी और काजोल भी एकदम से बंगाली परिवार से गुजराती परिवार में आ गई थी, तो वो भी इस बात से थोड़ा घबरा रही थी। शादी करके तो तुम आ गई हो, पर हमारे यहाँ के गुजराती रीति रिवाज भी तुम्हें सीखने होंगे। और रही बात भोजन की, तो हमारे यहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनता है, तुम्हें मछली और चावल खाना छोड़ने होंगे। माँ, मैंने काजोल को पहले ही समझा दिया था कि हमारे यहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनता है और काजोल को इस बात से कोई एतराज़ नहीं। मिहिर की बात सुनकर काजोल कमरे में आकर मिहिर से कहती है, तुम्हें तो पता है मछली और चावल मेरे मन पसंदीदा भोजनों में से एक है, मैं इन्हें खाए बिना कैसे रहूँगी। आज सुबह भी नाश्ते में मेरा पेट बिल्कुल भी नहीं भरा, वही थोपला थेपला मैं कैसे खाऊंगी मैं सब रोज़ाना। देखो काजोल, ये शादी हम दोनों की सहमति से हुई है, तो हमें इस शादी को आगे बढ़ाने के लिए कोई तालमेल तो बिठाना ही होगा। अच्छा, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊँगा। मिहिर ऐसे ही ऑफिस चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक शाम अल्पना काजोल को कहती है, काजोल मकर संक्रांति का त्यौहार आ रहा है, घर में मेहमान भी आएंगे, इस बार मकर संक्रांति की सारी तैयारी तुम्हें ही करनी है और हाँ, खिचड़ी का प्रसाद भी तुम्हें ही तैयार करना है। अब ये सब कैसे करूँगी, मैंने तो कभी प्रसाद वाली खिचड़ी बनाई ही नहीं। हाँ, माँ को फ़ोन करती हूँ। अरे तू चिंता क्यों कर रही है काजोल, मेरी सहेली सेजल भी गुजराती है, उससे पूछकर मैं तुझको सब बता दूँगी। तो एक काम कर, मैं तुझको उसका फ़ोन नंबर दे देती हूँ, तू उससे फ़ोन पर बात कर लेना। ठीक है माँ, मुझे उनका नंबर दे दो, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। काजोल जितना हो सकता था वो अपनी मम्मी की फ्रेंड सेजल से पूछ लेती है, करना तो काजोल को था। काजोल, मेहमान आने शुरू हो गए हैं, खिचड़ी बनने में और कितनी देर है? माँ जी, मैं बस बना ही रही हूँ। जल्दी से बनाओ, तुम्हारे पास आधे घंटे हैं, आधे घंटे में खिचड़ी बन के तैयार हो जाने चाहिए। अल्पना रसोई से बाहर जाने लगती है। अरे काजोल बहू नज़र नहीं आ रही, वो आप सबके लिए खिचड़ी का प्रसाद बना रही है। अल्पना बहन, तुमने अपनी बहू को बंगाली से गुजराती बना ही दिया, अब क्या करूँ, अपनी गुजराती रीति रिवाज तो सिखाने ही होंगे। आप लोग बैठिए, मैं अभी आती हूँ। वो आ गई आपके बहू। माँ जी, ये खिचड़ी का प्रसाद। खिचड़ी तो बड़ी स्वादिष्ट बनाई है काजोल बहू। हाँ ये तो सच है, प्रसाद एकदम बढ़िया बनाई है, बिल्कुल गुजराती तरीके से। यूट्यूब पर सही दिखाया था, नीमचिली का छौंक, नीमचिली की खुशबू से खिचड़ी तो और भी स्वादिष्ट हो गई। सब मेहमान बहुत खुश होकर जाते हैं, पर अल्पना अभी भी सुकून में नहीं थी। मुझे पता है तुमने अपनी मम्मी की सहेली से पूछकर और यूट्यूब पे देखकर जैसे तैसे खिचड़ी बना ली, पर अभी इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, पर आगे हमारे और भी रीति रिवाज हैं जिन पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। एक प्रसाद की खिचड़ी बनाने से तुम गुजराती नहीं बन गई हो। अल्पना की बात सुनकर काजोल बहुत दुखी हो जाती है और कमरे में आ जाती है, और तभी मिहिर भी आ जाता है। अरे तुम माँ की बातों को दिल पर ना लिया करो, उनका स्वभाव ही ऐसा है। अच्छा तुम एक काम करो, मेरे साथ बाजार चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की बंगाली होटल से तुम्हें फेवरेट डिश खिलाता हूँ। नहीं नहीं, हम बाजार का कुछ क्यों खाए, तुम मेरे हाथों की गुजराती खिचड़ी नहीं खाओगे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुमने तो आज खिचड़ी बनाई है, जल्दी से गरम गरम खिचड़ी लेकर आओ और ऊपर से देसी घी भी डाल देना। अल्पना और काजोल का रिश्ता इसी तरह चल रहा था, उनके बीच खट्टा मीठा तकरार अभी भी कायम था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दोपहर अल्पना पापड़ और अचार सुखा रही थी, तभी उसकी पड़ोसन शमिता घबराई हुई आती है। अरे अल्पना बहन, मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी बेटी प्रज्ञा जिस लड़के से प्यार करती है, अरे वही ऑफिस का वो लड़का जिससे वो प्यार करती है, उसी से रिश्ते की बात चल रही है ना, आज वो आ रहा है, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अरे नहीं, बात इतना है कि वो लड़का बंगाली है और वो अपने दादा दादी को भी साथ लेकर आ रहा है, बोलो अब मैं क्या करूं? लड़के वालों ने तो पहले ही कह दिया है उनके बंगाली मनपसंदीदा भोजन बनाने के लिए, बताओ अब मैं ये सब कैसे करूं? और मेरी बेटी प्रज्ञा को भी बंगाली साड़ी पहनकर ही तैयार होना है, अगर आप कहें तो मैं आपकी मदद करूँ आंटी जी।
अरे देख नहीं रही हो, शमिता बहन जी पहले से ही कितना परेशान है, तुम क्या मदद करोगी इनकी? अरे हाँ अल्पना बहन, आपकी बहू भी तो बंगाली है काजोल बेटी, बंगाली रीति रिवाज अच्छे से हो जाएंगी ना, कोई कमी तो नहीं रहेंगी ना? आंटी जी, आप प्रज्ञा की सगाई की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। काजोल जो बंगाली साड़ी दहेज पर लाई थी वो प्रज्ञा को पहनाकर तैयार करती है। लड़के वाले प्रज्ञा को बंगाली तरीके से तैयार होते देख बहुत खुश होते हैं। तरह तरह के बंगाली भोजन जब मनोरमा परोसती है तो सब बहुत ही वाहवाही करते हैं। मनोरमा लड़के वालों को काजोल और अल्पना से मिलवाती है। प्रज्ञा की सगाई का फंक्शन बहुत अच्छे से निपट जाता है। लड़के वाले जाने के बाद मनोरमा काजोल से कहती है, काजोल बहू, आज सच में तुमने हमारी बहुत बड़ी सहायता की है, थैंक यू बेटा। आंटी जी, इसमें थैंक यू की क्या बात है, प्रज्ञा तो मेरी बहन जैसी है। अल्पना, तुम्हारी बहू तो सच में गुणों की खान है, तुम्हें तो अपनी बहू पर गर्व होना चाहिए। काजोल जैसी संस्कारी बहू जिस घर में भी जाती है उस घर को स्वर्ग बना देती है। शायद तुम ठीक कह रही हो मनोरमा, मैं काजोल की गुण तो पहचान ही नहीं पाई। काजोल, आज सचमुच तुमने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। अल्पना काजोल को गले से लगा लेती है और उस दिन के बाद काजोल और अल्पना में कोई मतभेद नहीं होता। देखकर जिगर भी बहुत खुश था।